जय गो माता, जय गोपाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज आपको एक ऐसी नस्ल की जानकारी देने जा रहा हूं जिसके विषय में पहले मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या आपने कभी राठी नस्ल के बारे में सुना है? आप सोचने लग गए होंगे। जी, भारत की प्रिय नस्ल है ये, इसको राठी नस्ल बोला जाता है। मेरे साथ इन सुंदर सी गायों का आप दर्शन कर रहे हैं। ये गौशाला हमारी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला दिव्य धाम आश्रम दिल्ली की राठी नस्ल की गाय है। जी हाँ, इनको देखकर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये दिखने में गीर जैसी अलग नज़र आती हैं, लेकिन ये गीर तो नहीं है। बिल्कुल आपने सही जज किया, क्योंकि ये गीर जैसे इनके जो बॉडी है उसके ऊपर पैचेस हैं अलग अलग, जैसे ब्राउन पैचेस हैं, वाइट पैचेस हैं, जैसे गीर के होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़ कर रही होंगी कि ये गीर जैसी रंग रूप में तो लग रही है, लेकिन गीर जैसा सिर नहीं है, कान वैसे नहीं है। आज मैं आपको राठी नस्ल की जानकारी दूंगा। इसका सबसे पहले मैं मूल क्षेत्र जो है उसके विषय में आपको बताऊंगा। अगर आप राजस्थान जाते हैं, राजस्थान में आप मान लीजिए सूरतगढ़ से बीकानेर की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है लूणकरसर। लूणकरसर बहुत ही फेमस जगह है और वो इस राठी नस्ल का ट्रैक है। मतलब कि ये उस क्षेत्र की, ये देसी गायों की प्रजाति है, ये देसी राठी गायों की प्रजाति है। लेकिन लूणकरसर से हम इधर आ जाएं, महाजन आ जाता है, अर्जुन सर आ जाता है, सूरतगढ़ आ जाता है, पीलीबंगा आ जाता है, नौहर बादरा आ जाता है, गंगानगर, इवन के घड़साना, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो आपको ये नस्ल वहाँ पर दिखेगी। आज काफ़ी ऐसा, ये अफसोसजनक है, अफसोसजनक तो नहीं मैं कहूँगा, ये चीज़ जो है चिंताजनक है कि आज इस नस्ल की, इस रंग की राठी गायों की संख्या बहुत कम हो गई है। कोई समय ऐसा था जब उस पूरे क्षेत्र में ऐसी नस्ल दिखती थी, झुंड के झुंड गुज्जर भाई लोग चराने के लिए जाते थे सड़कों के ऊपर, खेतों में ऐसी नस्ल आपको वहां नजर आती थी। और इस राठी नस्ल की एक विशेषता यह है कि ये दूध में भी बहुत अच्छी गाय है। ये दूध में साहीवाल गाय का भी मुकाबला करती है। आप ये देखिएगा कि उस क्षेत्र में आपको हरा चारा नहीं मिलेगा, वहां पर सूखा चारा मिलता है और पानी की बड़ी समस्या है, पानी की बड़ी किल्लत है, लोग दूर दूर से पानी भर के लाते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में भी ये नस्ल 20 किलो तक दूध देती थी। हैरान रह गए आप, ये नस्ल ऐसे क्षेत्रों में भी जहां पर हरे चारे का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, उसमें भी ये नस्ल 15-20 किलो दूध दे देती है। और ये देखिए कि इसकी क्षमता कैसी है कि ये इतनी सुंदर नस्ल है और ये कई किलोमीटर का सफर एक दिन में तय करती है वहां पर चारे के कारण, और इतना लंबा सफर करने के बाद भी ये दूध देती है। भारत में बहुत सी देसी गायें की नस्लें हैं जिनमें जो दूध वाली नस्लें हैं, जैसे उसमें सबसे अग्रणी स्थान साहीवाल का आता है, तो ये भी साहीवाल की ही दूध की बहन है। आप कहेंगे कि साहीवाल की बहन कैसे हुई? क्योंकि आप थोड़ा सा, आपको इस बात का थोड़ा सा मैं ज्योग्राफिकली मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि साहीवाल का जो मूल क्षेत्र है वो पंजाब है और उसके साथ लगता राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, और आगे आप सूरतगढ़ की तरफ जाएंगे, उससे आगे जाएंगे लूणकरसर में जाएंगे, अर्जुन सर में, महाजन में जाएंगे, तो ये क्षेत्र राठी का भी क्षेत्र है। तो इसमें इसका जो रंग है वो साहीवाल के जैसा नहीं है, लेकिन इसकी जो शारीरिक संरचना है, जो फिनोटाइप है इसका, वो साहीवाल से मिलता है, लेकिन जो कलर है उसमें जो पैचेज आए हैं वो गीर प्रजाति से आ गए हैं। आप जो इस ट्रैक को देखेंगे ना, सौराष्ट्र में गीर है, ऊपर कांकरेज है, फिर थार पार कर बाड़मेर में आ गई, जैसलमेर में आ गई, फिर आगे नगौरी नस्ल आ गई, और फिर आगे राठी आ गई, फिर आगे साहीवाल आ गई। ये पूरा ट्रैक है
और आपको कहीं ना कहीं सभी नस्लों के लक्षण जो हैं कई हजारों सालों से एक दूसरे से इंटरमिक्स होती आई हैं, तो ये दिखने में साहिवाल जैसी है लेकिन ये कलर में गिर जैसी है। तो इसलिए आपको राठी की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, इस नस्ल का संवर्धन करें। ये नस्ल बहुत ही अच्छी नस्ल है, हमें तो भारत की सभी नस्लों पे काम करना है, ख़ास तौर पे जो उस क्षेत्र के गुज्जर भाई लोग हैं या किसान हैं, गौपालक हैं या गौशालाओं के प्रतिनिधि हैं। मैं सबको ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस नस्ल को पहचानें और इस नस्ल की क्षमता को पहचानें और इस नस्ल के अंदर जो छुपे हुए गुण हैं उनको पहचानें। आप देखिए रेगिस्तान में टेम्परेचर कहाँ तक जाता होगा, 50 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, और वहाँ ये हमारी देसी नस्ल, ये राठी नस्ल उस टेम्परेचर में भी अपनी क्षमता को बताती है कि मैं हूँ, मैं कुछ चीज़ हूँ। इसलिए और हम इस नस्ल को पालें और आने वाले समय में इस नस्ल का संवर्धन करें ताकि लाखों की संख्या में हमारे पास राठी नस्ल की गाय राजस्थान में होनी चाहिए। और एक जो थोड़ी गंभीरता से लेने वाली बात है मैं आपके साथ साझा करूंगा कि लाल रंग की जो नस्लें हैं वहाँ पर कुछ साहिवाल जैसी हैं, कुछ राठी हैं और साहिवाल मिक्स ही लगती हैं। तो कृपया आप जब ऐसी गायों को देखें, इस रंग की गायों को देखें, उनको ऐसे ही बुल से, ऐसे ही राठी नंदियों से उसे गर्भाधान करवाएं। कहीं ये इंटरमिक्सिंग हो गई तो ये नस्ल लुप्त हो जाएगी और मेरे ख्याल से बहुत कम संख्या में रह गई है ये नस्ल। इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने इसका बीड़ा अपने हाथों में लिया है। हमारी दिल्ली दिव्य धाम गौशाला के अंदर हम राठी नस्ल को लेकर आए हैं, कई साल से यहाँ पर है और इसकी संख्या थोड़ी कम है लेकिन इनको बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे साहिवाल का संवर्धन हो रहा है, हरियाणा नस्ल का संवर्धन हो रहा है, वहीं पर हमारी गौशाला के अंदर राठी नस्ल का संवर्धन हो रहा है। तो इसलिए आप नस्ल सुधार से अच्छे नंदियों का चयन करें, अच्छे नंदियों की कमी है राठी नस्ल के, हम अच्छे नंदियों को लाने का भी प्रयास कर रहे हैं जो रिकॉर्डेड हों। और आप इस सुंदर सी नस्ल के अगर दर्शन करना चाहते हैं तो हमारी दिल्ली दिव्य धाम गौशाला में ज़रूर आएं। आपको ये नस्ल कैसी लगी राठी नस्ल, अपने कमेंट के साथ इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप राठी गायों को पालते हैं या आपके घर में भी ऐसी नस्ल है तो हमारे साथ उसकी फ़ोटोग्राफ शेयर करें, अपने विचार शेयर करें और हमारे कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, गौपालकों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी करें। जय गौ माता, जय गोपाल, धन्यवाद।